दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों भारत में लगभग 8000 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन है। आज देश के कोने कोने में भारतीय रेलवे की पहुंच है। देश के कुछ रेलवे स्टेशन तो ऐसे भी हैं जिनसे कुछ रोचक बातें जुड़ी हुई हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रेलवे स्टेशन के बारे में बताने वाली हूँ। ऐसा रेलवे स्टेशन जिससे आप पैदल चलकर भी विदेश यात्रा करके आ सकते हैं। शायद आपको यकीन ना हो लेकिन ये सच है, भारत के इस रेलवे स्टेशन से आप पैदल और फ्री विदेश यात्रा करने जा सकते हैं। कौन सा है ये रेलवे स्टेशन, क्या है इससे जुड़े तथ्य, जानने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में स्थित सिंहाबाद रेलवे स्टेशन की। इसे देश का आखिरी रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। यहाँ से उतरकर आप दूसरे देश की सीमा में पैदल ही जा सकते हैं। दोस्तों ये सिंहाबाद रेलवे स्टेशन भारत के एक कोने में स्थित है। इसे देश का आखिरी रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। ये बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। हालांकि यहाँ अब मालगाड़ियों का ट्रांजिट ठीक होता है। ये रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हबीबपुर में स्थित है। इसको रोचक बनाता है इसका बांग्लादेश की सीमा के बहुत करीब होना, जिससे लोग यहाँ से पैदल ही दूसरे देश में घूमने निकल जाते हैं। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यह स्टेशन बंद हो गया था, लेकिन साल 1978 में इस रेलवे स्टेशन पर फिर से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। यहाँ सिग्नल से लेकर मशीन तक सब अंग्रेजों के ज़माने का है। यहाँ कार्डबोर्ड की टिकट रखी हुई है। ऐसी टिकट अब आपको और किसी रेलवे स्टेशन पर देखने को नहीं मिलेंगी। सिंहाबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेनों के जरिए बांग्लादेश से नेपाल को खाद निर्यात किया जाता है। इस स्टेशन से सिर्फ दो यात्री ट्रेनें गुजरती हैं जिन्हें 2008 में शुरू किया गया। इस स्टेशन के बोर्ड पर भारत का सीमांत यानी अंतिम रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है। इस रूट का इस्तेमाल गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी ढाका जाने के लिए किया करते थे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद जय भारत।